नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्त्री मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्त्री मूवी एक हॉरर कॉमेडी है। उसमें हम देखेंगे कि एक गांव में किस तरह से एक स्त्री कई सारे मर्दों को गायब करती है। आखिर वो स्त्री ऐसा क्यों कर रही है, यह हमें वीडियो के अंत तक पता चलेगा। तो उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो बना पाऊँ। कहानी शुरू होती है चंद्रपुर शहर से। वहाँ पर हम है कि कई मर्द को एक स्त्री गायब करती है, इसीलिए सारे लोगों के घरों के दीवार पर ओ स्त्री कल आना लिखा होता है। अगर किसी घर के बाहर ये लिखा हुआ नहीं मिला तब वो स्त्री अपना खेल दिखाना शुरू करती है। अब ये बात सारे लोग मानते हैं, कई लोगों ने इसका अनुभव भी किया था तो वो लोग डर भी जाते हैं। लेकिन विकी नाम का लड़का जो कि एक लेडीज टेलर है, उसे चुड़ैल वाली बात या फिर स्त्री वाली बात पर अंधविश्वास लगता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो मॉडर्न दुनिया में रहता है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, पर ये लोग है कि चुड़ैल जैसी बातों पर भी अंधविश्वास रखते हैं। वही हम विक्की के पापा को देखते हैं, वो अपने टेलर की दुकान संभालते हैं, लेकिन विक्की से आशा करते हैं कि वो आगे जाकर दुकान चलाए, क्योंकि विक्की कपड़े सीने में लाजवाब था। लेकिन विक्की को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो सबको समझाता रहता है कि वो कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ है। एक दिन विक्की को एक अनजान लड़की मिलती है और वो विक्की को मंदिर की पूजा होने से पहले उसे एक घाघरा सी कर देने को बोलती है। विक्की तो उस लड़की को देखकर उसके प्यार में ही पड़ता है और मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि वो दोनों में उसे घाघरा सी कर देगा। फिर वो लड़की उसे शाम को मंदिर मिलती है, ये कहकर इशारा करके निकल जाती है। विक्की उस लड़की की बातें सुनकर बहुत खुश होता है और अपने दोस्त बिट्टू और जन्ना को ये बात बता देता है। लेकिन बिट्टू को विक्की के बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, पर विक्की उसे कन्विंस करते हुए कहता है कि वो अभी उस लड़की से मिलकर आया है और उसने उसे घाघरा सीने को कहा है और वह मंदिर में भी मिलने वाली है। अब हम रात में देखते हैं कि वह तीनों मंदिर चले आते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी नहीं आती। तब विक्की अपने दोस्तों को छोड़कर उस लड़के का इंतजार करते बैठता है और थोड़ी देर बाद वो लड़की आ जाती है। विक्की कहता है कि पूजा तो खत्म हो गई, आप इतनी लेट क्यों आई हो, लेकिन वो उस बात को टाल देती है। वो दोनों बातें करते बैठते हैं। वो लड़की विक्की को एक लेटर देकर उसे कल सुबह नहाने के बाद पढ़ना कहती है। यहाँ बिट्टू और जन्ना विक्की की राह देखकर घर जाने के लिए निकलते हैं। वहीं पर उन्हें रुद्र भैया मिलते हैं। रुद्र एक लाइब्रेरियन के साथ साथ प्रोनोलॉजिस्ट भी है, जिसे ध्वनि ज्योतिष कहा जाता है। रुद्र भैया उन्हें सलाह देते हुए कहते हैं कि पूजा के इन चार रातों को अपने घरों से अकेले बाहर मत निकलना, क्योंकि इन्हीं चार रातों को वो स्त्री आकर मर्द को गायब करती है। बिट्टू और जन्ना ये सुनकर घबरा जाते हैं और रुद्र भैया से उसके बचने का उपाय पूछते हैं। रुद्र उन्हें उपाय बताते हुए कहता है कि तुम्हें चार नियम फॉलो करना होगा। पहला नियम है कि पूजा की रातों को बाहर ना निकले, और दूसरा नियम है कि अगर बाहर निकले और किसी स्त्री ने आपको आपके नाम से पुकारते हुए आवाज दी तो कभी भी पीछे पलटकर मत देखना, और तीसरा नियम है कि बिना पलटे ही चुपचाप चलते जाना, और चौथा नियम बताने से पहले वो वहां से निकल जाते हैं। अब रुद्र की बातें सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और अपने दोस्त के पास आते हैं जहां पार्टी चल रही है। वहीं पर विक्की भी होता है, वो सारे पार्टी में नाचने लगते हैं। पार्टी के बीच में विक्की सुसु करने के लिए घर से बाहर आता है और दीवार के ऊपर लिखे हुए एक वाक्य जो कि स्त्री कल आना होता है उसी पर वो सुसु कर देता है, जिसके वजह से कल वाला शब्द मिट जाता है। अब विक्की को तो इसका ख्याल नहीं होता कि उसने उस वाक्य को मिटा दिया है, वो अपने ही धुंध में होता है। वो वापस पार्टी ज्वाइन करके नाचने लगता है और तभी वो स्त्री आती है और नरेंद्र नाम के एक लड़के को लेकर चली जाती है। इस बात से सारे लोग डर जाते हैं और विक्की पर ही बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि विक्की ने दीवार पर लिखा हुआ ओ स्त्री कल आना वाक्य मिटा दिया था। फिर सब लोग नरेंद्र को ढूंढने लगते हैं, पर डर के मारे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह विक्की उस लड़की का लेटर पढ़ने लगता है। असल में उस लड़की ने उसे आज मिलने को बुलाया था, लेकिन साथ में दारू, मटन, कांच का चूरा, धतूरे का फूल, सफेद बिल्ली का बाल और छिपकली की पूछ, ऐसी अजीब गरीब चीजें साथ लाने को बोला होता है। बिट्टू ये चीजें सुनकर कहता है कि कौन सी लड़की मिलने के लिए ऐसी चीजें मांगती है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। लेकिन विक्की तो उस लड़की से प्यार करने लगा था तो वह दोस्तों की बात नहीं मानता और सारी चीजें लेकर मंदिर जाता है। लेकिन हम देखते है कि वो लड़की आज भी आरती होने के बाद मंदिर के बाहर ही विक्की से मिलती है। वो कह
कहता है कि आपकी आरती आज भी मिस हो गई, पर वो कहती है कि भगवान से मेरी नहीं बनती है और वो मंदिर का प्रसाद भी नहीं खाती। और विक्की से अपनी मंगाई हुई चीजों के बारे में ही पूछती है और विक्की को लेकर जंगल के अंदर आती है। यहाँ बिट्टू बहुत परेशान होकर जन्ना से कहता है कि विक्की मुसीबत में फंसा है, क्योंकि वो जिस लड़की से मिलता है वो भी साल में एक बार और सिर्फ मंदिर में होने वाले पूजा के 4 दिनों में ही। तब उनका शक होता है कि वो स्त्री ही है जो शहर के कई सारे मर्दों को गायब कर रही है। वो दोनों भी बहुत डरे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो स्त्री अब विक्की को भी गायब करेगी। तब वो दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की विक्की के साथ प्यार करने लगती है और अचानक गायब होती है। विक्की को समझ नहीं आता कि वो अचानक गायब कैसे हुई। वो उसे खोजने लगता है। यहाँ बिट्टू और जन्ना विक्की को खोजते खोजते थक जाते हैं और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक स्त्री जो कि एक चुड़ैल है वो जन्ना का पीछा करती है, उसे उसके नाम से पुकारती है। तभी जन्ना डर जाता है। उसे रुद्र की बात याद आती है कि अगर किसी ने भी आवाज दी तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन जन्ना इतना बहुत डरा होता है कि वो पीछे मुड़ के देख लेता है और उस चुड़ैल को देख कर उसकी फटी जाती है। वो बहुत चिल्लाने लगता है और वो स्त्री उसे घसीट कर उसके सारे कपड़े उतार कर अपने साथ लेकर जाती है। अब सबको पता चलता है कि जन्ना भी कई मर्दों की तरह गायब हो चुका है। वहीं पर विक्की भी वापस आता है। उसे देखकर बिट्टू बहुत गुस्से से कहता है कि वो लड़की ने ही जन्ना को गायब किया है, वो स्त्री चुड़ैल है। आखिर विक्की को भी रियलाइज होता है कि उस लड़की का कोई आता पता नहीं है। वो बस हर साल पूजा के 4 दिनों में ही आती है और सिर्फ उसे ही दिखती है, यहाँ तक कि उसने अपना नाम या मोबाइल नंबर भी नहीं दिया। वो इस बात से बहुत परेशान होता है और वो तय करता है कि अपने दोस्त को उस लड़की से छुड़ा के लाएगा। तभी उसे याद आता है कि उस लड़की ने उसे घाघरा सीने को कहा था। फिर वो उसका घाघरा तैयार करके उसे मिलने जाता है, लेकिन वो बहुत डरा होता है। वो लड़की आती है, विक्की डरते हुए उसे घाघरा देकर वो भूत है या नहीं ये जानने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की गायब हो जाती है और विक्की को यकीन होता है कि वो स्त्री ही है। फिर वो रुद्र भैया से मदद मांगने जाता है क्योंकि रुद्र को स्त्री के बारे में सब जानकारी थी। रुद्र उन्हें अपने शहर की पुरानी पुस्तक दिखाता है, चंदरी पुराण, जिसमें स्त्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। वही उस पुराण में विक्की को एक महल दिखता है जहाँ वो पहले भी जा चुका था और उस किताब के कुछ पन्ने भी फटे हुए थे। अब उन्हें आगे के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि उस स्त्री के बारे में क्या जानकारी होगी। वो लोग जन्ना को बचाने के लिए उस महल में आते हैं। बिट्टू और रुद्र भैया को वो स्त्री दिखती है। वो डर के मारे महल के बाहर ही रुक जाते हैं। यहाँ पर विक्की महल में फंस जाता है। अभी उसके पीछे से वो स्त्री आती है। विक्की डर के मारे उसे कहता है कि वो बस अपने दोस्त जन्ना को बचाने आया है। विक्की बिल्कुल भी पलटता नहीं, पर वो स्त्री गायब होकर वापस आती है और विक्की घूम जाता है। आखिर उस स्त्री का सामना विक्की से हो ही जाता है, लेकिन वो स्त्री बाकी मर्दों की तरह विक्की को गायब नहीं करती। वो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। तभी वहां पर वो लड़की आती है जिसने विक्की को घाघरा सीने को कहा था और अचानक गायब हो गई थी। वो चुड़ैल वाली स्त्री पर चाकू मार कर उसे भगा देती है और सबको पता चलता है कि वो लड़की और स्त्री दोनों अलग अलग है। स्त्री ने उस लड़की का कोई अपना भी गायब किया था, इसीलिए वो उस स्त्री को हराना चाहती है, पर हर बार वो बच निकलती है। विक्की, रुद्र और बिट्टू भी उस लड़की का साथ देते हैं क्योंकि वो भी अपने शहर और दोस्त जन्ना को बचाना चाहते थे। लेकिन वहीं पर जन्ना उस स्त्री के चंगुल से बचकर वापस आता है। जन्ना को वापस देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जन्ना को यहाँ उस स्त्री ने अपने वश में करके यहाँ पर भेजा है ताकि जन्ना हर घर के बाहर लिखा हुआ ओ स्त्री कल आना वाक्य मिटा दे और वो स्त्री शहर के मर्द को फिर से गायब कर ले। और रात को जन्ना अपना काम करता है। वो कई घरों की दीवार का वाक्य मिटा देता है और कई सारे लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन विक्की, बिट्टू, रुद्र और उस लड़की को पता चलता है कि ये सब जन्ना कर रहा है, तो वो उसे घर में ही बांध के रखते हैं और उस स्त्री को हराने का उपाय जानने के लिए चंदेरी पुराण के लेखक शास्त्री के पास आते हैं। शास्त्री सबको बताता है कि जो स्त्री मर्द को गायब कर रही है, असल में इसी शहर में वो कई साल पहले वैश्या का काम किया करती थी। शहर के सारे मर्द उसके पास अपनी हवस मिटाने आते थे, लेकिन उस स्त्री को एक मर्द मिला जो उससे प्यार करने लगा था। लेकिन शहर के लोगों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उन दोनों को खत्म कर दिया और उन्हें अलग किया। तब से उस स्त्री ने ठान लिया कि वो इस शहर के सारे मर्द को जिंदा नहीं छोड़ेगी।
मिलेगी। शास्त्री की बातें सुनकर सब लोग बहुत उदास होते हैं। फिर वह पूछते हैं कि उस स्त्री को हम हराना चाहते हैं, क्या उसका उपाय है क्या। फिर शास्त्री उस स्त्री को हराने का उपाय बताते हुए कहता है कि स्त्री को वही हरा सकता है जो कि एक कुंवारा तवायफ ज्यादा लड़का हो, जो राजा की तरह जीता हो। अब सब लोग बहुत सोचने लगते है कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। अभी रुद्र सबको बताता है कि विक्की वो लड़का है, क्योंकि उसकी माँ एक तवायफ थी। उसके पिता और सारे शहर को ये बात मालूम है, सिर्फ विक्की को छोड़ के। विक्की ये सुनकर रुद्र पर गुस्सा होता है और दुखी होकर शराब पीता है और अपने पापा से अपनी सच्चाई पूछता है। विक्की की बातें सुनकर उसके पिता खामोश हो जाते हैं और विक्की पिता की खामोशी से समझ जाता है कि रुद्र भैया ठीक कह रहा था। फिर विक्की अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो तो बचपन से अपने पापा को ही सब कुछ मानता था। वो तो हमेशा विक्की का ख्याल रखते थे और इस शहर के लोगों ने भी कभी उसे इस बात का एहसास तक होने नहीं दिया। और वो डिसाइड करता है कि वो स्त्री को हराकर अपने शहर को बचाएगा। फिर वो सब एक प्लान करते हैं कि उस औरत को सिर्फ अपने प्रेमी के साथ सुहागरात मनानी है, तो वो विक्की को उसका दूल्हा बनाकर उसके सामने लाएंगे और विक्की उसे मार देगा। फिर प्लान के मुताबिक वो पूरे शहर को बंद करवा देते हैं और स्त्री को महल में बुलाने के लिए ओ स्त्री आना लिख कर दीवारों पर चिपका देते है। और वो लड़की विक्की को बताती है कि जैसे ही स्त्री उसके सामने आए, सिर्फ उसके आंखों में देखते रहना और उसके दिल में खंजर उतार देना, तब वो लड़की वहां जाकर उस स्त्री की शक्तियां खत्म करेगी। अब पूजा की आखिरी रात में विक्की स्त्री के साथ सुहागरात मनाने बैठ जाता है। ये तीनों चिपके से देखते है। वहीं पर हम देखते है कि वो स्त्री जन्ना को छुड़ा देती है और जन्ना बिट्टू रुद्र और उस लड़की को ही मारने लगता है और यह विक्की उस स्त्री के चंगुल में फंस जाता है। विक्की डरते हुए उस स्त्री को कहता है कि वो सुहागरात मनाने को तैयार है, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्त्री विक्की के साथ सुहागरात नहीं मनाती बल्कि बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखने लगती है और विक्की स्त्री को नहीं मार पाता। तभी वहाँ पर वो लड़की आकर अपने मंत्रों को उस स्त्री को वश में करती है और उसकी शक्तियों को कमजोर करती है और विक्की को चाकू से उसे मारने को बोलती है, लेकिन विक्की उस स्त्री को नहीं मार पाता क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उस स्त्री को तो किसी की जान नहीं चाहिए बल्कि उसे तो प्यार चाहिए था, उसे समझने वाला इंसान चाहिए था। तभी वो स्त्री उस लड़की पर ही हमला करने लगती है और उसे मारने लगती है। यह देखकर विक्की खंजर से उस स्त्री की चोटी को काट देता है और स्त्री गायब हो जाती है और जन्ना के साथ सब लोग बच जाते हैं। और तभी उसी महल से आज तक जितने भी मर्द गायब हुए थे वो सब सही सलामत वापस आते हैं, क्योंकि अब स्त्री का साया हमेशा के लिए जा चुका था। और यहाँ सबको समझ आता है कि स्त्री को जान नहीं बल्कि प्यार और इज्जत चाहिए थी, क्योंकि इस शहर में रहने वाले समाज ने उसे नहीं दी थी। अब विक्की और सब ने उस स्त्री को हरा दिया। फिर वो लड़की विक्की से मिलकर अभी भी नाम न बताकर निकल जाती है और हम देखते हैं कि ये लड़की खुद स्त्री बनने आई थी और स्त्री अभी भी जिंदा है, क्योंकि स्त्री की शक्तियां तो उसकी चोटी में थी, जो कि अब वो चोटी इसी लड़की ने अपनी चोटी में ऐड कर दी है, जिसके वजह से अब यही लड़की स्त्री बनकर अपना खेल जारी रखने वाली है। और इस लड़की ने विक्की, जन्ना और बिट्टू का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो अकेली उस स्त्री को नहीं हरा सकती थी। अब एक साल बाद ये लड़की स्त्री बनकर चंदेरपुर शहर आती है, लेकिन वो शहर के अंदर हमला करने नहीं जा पाती क्योंकि शहर के लोगों ने शहर के बाहर स्त्री का पुतला बनाकर वो स्त्री रक्षा करना लिखा होता है, क्योंकि जो भूल सारे लोगों ने उस स्त्री के साथ की थी अब वही भूल को उन लोगों ने सुधारा था और उस स्त्री को बड़े सम्मान और प्यार के साथ पुतली के रूप में अपने शहर के बाहर इज्जत देते हुए रखा था। अब वो लड़की ये देखकर समझ जाते है कि सारे शहर के लोग सुधर गए हैं और वो अंदर नहीं जाती और ये कहानी यही पे खत्म होती है। तो ये था स्त्री मूवी का एक्सप्लेनेशन। स्त्री मूवी हॉरर एलिमेंट के साथ हंसाती भी है। कहानी सिंपल है पर हर मोमेंट पर हमें हंसाती रहती है और इमोशनल के साथ जोड़े रखती है। फिल्म में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना ने बेहद खूबसूरत काम किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्त्री मूवी दिनेश विजन हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पहली मूवी है। दिनेश विजन एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है जिन्होंने अपना ये यूनिवर्स बनाया है, जिसमें उन्होंने अब तक स्त्री, रूही और 2022 में ही भेड़िया मूवी को बनाया है। स्त्री मूवी के कैरेक्टर हमने भेड़िया मूवी में देखे है। अगर आपने भेड़िया मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइए और वहाँ पर भेड़िया मूवी का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
उसमें आपको भेड़िया की कहानी के साथ साथ स्त्री के कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, ताकि आपको इस हॉरर यूनिवर्स की कनेक्शन समझ आए। और स्त्री 2 में हमें भेड़िया यानी वरुण धवन, कृति सैनन और स्त्री के कैरेक्टर स्त्री 2 में देखने को मिलने वाले हैं। अब तक हमने हॉलीवुड में ही ऐसे यूनिवर्स देखे थे कि जहां कई सारे फिल्मों के किरदार एक साथ मिलकर एक यूनिवर्स तैयार करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी दिनेश विजय ने ये कर दिखाया है, लेकिन हॉरर मूवी के साथ। ऐसा हम जरूर मान सकते हैं कि हॉरर मूवी का यह पहला यूनिवर्स होने वाला है जहां पर हॉरर मूवी के अलग अलग किरदार एक साथ एक यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं। तो आपको स्त्री मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।